नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की जांच तेज हो गई है। हालांकि कांग्रेसियों ने इसे मोदी सरकार के बदले की कार्रवाई बताते हुए आज देश भर में धरना प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन राजस्थान, पंजाब और मुंबई समेत देश के कई ठिकानों पर चलाया गया। मुंबई में राजभवन के पास कांग्रेस नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन रोकने के लिए पुलिस ने कई ठिकानों पर बल का प्रयोग करते हुए गिरफ्तारियां भी की हैं। इसे लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, पी चिदंबरम और अधीर रंजन चौधरी ने आज उपराष्ट्रपति और स्पीकर से मुलाकात की और ईडी जांच को बदले की कार्रवाई बताते हुए इसका संज्ञान लेने की मांग की। वाइस प्रेसिडेंट जी से मिले और हम उनको ये बताया कि हमारे पार्लियामेंट मेंबर्स को गलत तरीके से उनको डिटेन किया गया है। एक तरफ तो हमारा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, दूसरे तरफ लोकतंत्र का हरण हो रहा है, तीसरे तरफ संविधान के तहत भी वो नहीं काम कर रहे हैं। उनका नियत ये था कि हमारे पार्लियामेंट मेंबर्स को हराश करना, मेंटली टॉर्चर करना, ये उनका इरादा रहने के वजह से हम लोगों का जो हक है, प्रिविलेज है, उसका वायलेशन हुआ है। और जो संविधान में हमको खासकर स्वतंत्रता और हमारा जो फ्रीडम है इसके ऊपर हनन हुआ है, इसीलिए हम ये चाहते हैं कि ये एक प्रिविलेज मोशन को वो लोग तरीके से देखे और हमारी रक्षा करना उनका धर्म है। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।